हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू जल्दी टिप्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं, जो टॉपिक के बारे में बहुत सारी महिलाएं बार बार क्वेश्चन पूछती हैं कि बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर भी उनको जो है प्रेगनेंसी किट में हल्की लाइन क्यों दिखाई देती है। हल्की लाइन का क्या मतलब होता है? प्रेगनेंसी किट में जो आपको टी के सेक्शन में जो टेस्ट का सेक्शन होता है वहाँ पे जो है आपको फेंट लाइन क्यों दिखती है? आखिर इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? क्या वो प्रेग्नेंट है या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं है? वो कैसे पता लगाएंगे इस बात का? तो आज हम इसी विषय में जो है बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगी जिस वजह से जो है आपको प्रेगनेंसी किट में फेंट लाइन दिखाई देता है। हो सकता है प्रेगनेंसी हो या फिर ना हो या फिर कोई और रीज़न हो। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पाती है और उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द जो है मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और पता लगाना है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं हूँ। इस वजह से, इस जल्दबाजी की वजह से क्या करते हैं कि वो प्रेगनेंसी मतलब उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है। उनका पीरियड मिस भी नहीं हुआ होता है, उसके 5 दिन 8 दिन पहले जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, जिस वजह से जो है उन्हें हल्की लाइन दिखाई देती है या फिर निगेटिव दिखाई देती है। अब ये केस कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया है उसके बाद आप चेक करते हैं तो अर्ली प्रेगनेंसी कैसे होता है? जी हाँ, तभी भी अर्ली प्रेगनेंसी होता है अगर आप तब टेस्ट करें और आपको अगर फेंट लाइन नजर आए तो इसको आप क्या समझेंगे? बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी होती है जिस वजह से जो है आपको फेंट लाइन नजर आता है, लेकिन आपको पॉजिटिव क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपकी बॉडी में उस वक्त एसिडिटी का जो लेवल है आपके यूरिन में इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया गया है, बहुत कम मात्रा में पाया गया है, जिस वजह से जो है आपको किट जो है डिटेक्ट कर रहा है, आपको फेंट लाइन जो है दिखा रहा है, आपको पूरा जो है पॉजिटिव लाइन नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से जो है आपको फेंट लाइन आ जाती है। क्यों? आपका किट कैसे डिटेक्ट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है? जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी में जो है प्रेगनेंसी में बनने वाले जो हार्मोन होते हैं वो बनने लग जाते हैं। जब एसिडिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हैं तब जो है आपकी एसिडिटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि आपको जो है पॉजिटिव डिटेक्ट कर सके। इसके लिए उसको जितना मात्रा में मिलता है उस हिसाब से जो है आपको फेंट लाइन नज़र आ जाता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि अगर आप बार बार चेक करें आपको फेंट लाइन आ रहा है तो इस विषय में आपको 3 से 4 दिन बाद वापस चेक करना है। अगर आपकी फेंट लाइन डार्क हो रही है इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो है एसिडिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपकी जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने वाली है। नेक्स्ट ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आजकल के डेट का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि मोस्टली जो है महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिस वजह से जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनको जो है फेंट लाइन नज़र आता है, उनकी पीरियड मिस हो गई होती है। अब आप पूछेंगे कि मैम जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है आपके यूट्रस में नहीं होता है। मान लीजिए जब आपको फर्टिलाइजेशन भी हो गया बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? आपके फिलिपिन ट्यूब में होगी। आपकी प्रेगनेंसी कहाँ हो गई? आपके फिलिपिन ट्यूब में ही हो गई, क्योंकि जो वो आपके यूट्रस में आके जो है आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, आपकी प्रेगनेंसी गलत जगह में हो गई है, यूट्रस में ना होके फिलिपिन ट्यूब में हो गई है। जो आपका प्रेगनेंसी है वो आपके फिलिपिन ट्यूब में ही ग्रो होने लग गया है, तो वो ज़्यादा ग्रो तो हो नहीं सकता है, जिस वजह से जो आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाएगी और आपकी प्रेगनेंसी जो है कुछ टाइम बाद टर्मिनेट हो जाएगी। आपकी प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है वो थोड़े टाइम बाद जो है टर्मिनेट हो जाता है। तो क्या होता है कि क्योंकि आपके बॉडी में जो है प्रेगनेंसी रुकी थी, भले ही वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, इसलिए जो है आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे जो टाइम आगे आगे बढ़ेगा आपकी जो है एसिडिटी का लेवल जो है घटने लग जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। नेक्स्ट है केमिकल प्रेगनेंसी। अब केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये केमिकल प्रेगनेंसी भी इस टाइप की प्रेगनेंसी है जो आपको इधर जो है रियल में आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है जब आप चेक करते हो ना, आपकी बॉडी में जो है एसिडिटी का लेवल बढ़ता है,
बट ये जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये एक ऐसी प्रेगनेंसी जो होती है कि हो सकता है कि कुछ टाइम पे आपकी पीरियड मिस होने के पहले आपको ऐसे लगे कि आप चेक कर रहे हो तो आपको फेंट लाइन आ जाए, या फिर आपको लगे कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है किसी भी सिम्टम की वजह से, फिर क्या होता है कि दो चार दिन बाद जो है आपको पीरियड आ जाता है। तो ये प्रेगनेंसी जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी होती नहीं है, एक ऐसे ही जो आपके बॉडी में एसजी का लेवल बढ़ता है केमिकली प्रेगनेंसी होती है, रियल प्रेगनेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारी महिलाओं का आज के डेट में जैसा हमारा जो एक जैसा लाइफस्टाइल है या फिर हमारा जो बॉडी है उस हिसाब से जो है बहुत सारी महिलाओं का जो है मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? अभी मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी थी, आपकी प्रेगनेंसी रुकी थी, आपका जो है पीरियड भी मिस हो गया था, लेकिन आपके पीरियड मिस होने के बाद जब आप मान लीजिए आपने चेक किया तो आपकी जो है आपको फेंट लाइन आ रही थी, आपकी प्रेगनेंसी भी रुक गई। बट क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है किसी वजह से भी, हो सकता है मेडिकली कोई इश्यू हो या फिर आपकी बॉडी में कोई भी रीज़न की वजह से जो है आपकी जो प्रेगनेंसी है ना वो अबॉर्ट हो जाती है, अपने आप अबॉर्ट हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो है एसजी का लेवल बढ़ने की जगह जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिस वजह से हो सकता है कि आपने जब चेक किया हो तो आपको जो है पॉजिटिव आया हो, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है आपको धीरे धीरे जो है फेंट लाइन आने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपको जो है फेंट लाइन नज़र आता है, जब आप चेक करते हो आप बोलते हो कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ बट फिर भी जो है मुझे क्यों फेंट लाइन आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। नेक्स्ट क्या होता है? एवापोरेशन लाइन। एवापोरेशन लाइन क्या होता है? जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद आप क्या करते हो कि किट को यूज़ करने का एक ये होता है कि आपको कैसे यूज़ करना है, कितना टाइम आपको वेट करना है रिजल्ट के लिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम रख देती हैं जब टेस्ट करके, बहुत ज़्यादा टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ दिनों के लिए भी रख देती हैं, फिर उनको बाद में जो उनको ना सेकेंड लाइन टेस्ट लाइन ना हल्का हल्का उनको लाइन दिखता है, वो हल्की लाइन नहीं होती है, फेंट लाइन नहीं होती है, वो एक एवापोरेशन लाइन होती है जो बहुत ज़्यादा टाइम रह जाने की वजह से क्या होता है उसमें एक लाइन आ जाती है जिसे जो है आप फेंट लाइन समझने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, बट वो जो है रियल में एक एवापोरेशन लाइन होती है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरी किट। अब एक्सपायरी किट क्या होता है? जब आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं एक किट परचेस करने के लिए, तो आपको हमेशा जो है क्या करना है, आपको किट के पीछे का जो है एक्सपायरी डेट चेक करना है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं और किट लेके आ जाते हैं और उसे यूज़ करते हैं, अगर वो किट एक्सपायर हो गया होगा तो आपको जो है बराबर से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको गलत रिजल्ट मिल जाएगा, आइदर आपको फेंट लाइन आ जाएगी या फिर इनवैलिड हो जाएगा या फिर कुछ जो है मिस्टेक हो जाएगी। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप किट परचेस करते हैं तो उसका जो है एक्सपायरी डेट बिल्कुल चेक कर ले और ये आप पहले पढ़ ले कि आपको जो है कैसे यूज़ करना है उस किट को, अदरवाइज जो है आप गलत तरीके से करेंगे और आपको जो इनवैलिड या फिर आपको गलत रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मेडिकेशंस। बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं का जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है तो उस केस में क्या होता है उनको जो है बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के टैबलेट्स भी मिलते हैं या फिर उन्हें जो है हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिए जाते हैं, एसजी का जो लेवल उससे बढ़ जाता है। तो क्या होता है जब उनके जो वो मेडिकेशन चालू होते हैं उन दौरान अगर वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले तो क्या होता है कि उन्हें जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है या फिर उन्हें जो है फेंट लाइन नज़र आ जाता है। अब फेंट लाइन क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने मेडिकेशंस किए हैं, उन्हें जो बहुत ज़्यादा एसजी के इंजेक्शंस लगे हैं, अब इंजेक्शन लगने की वजह से उनकी बॉडी में जो है एसजी का लेवल मिल रहा है जिसकी वजह से जो है किट डिटेक्ट करके उन्हें फेंट लाइन शो करता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो ये सारे रीज़न है कि क्यों आपको जो है प्रेगनेंसी किट में बार बार फेंट लाइन नज़र आता है बट आप जब चेक करते हो आपको प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर मान लीजिए आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें उसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, आपको बेटा एसजी का टेस्ट करना है जो कि ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में भी अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत हाँ शायद है प्रेगनेंसी या कुछ, तो लास्ट आपको क्या ऑप्शन करना है, आपको सोनोग्राफी करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो कहाँ है। तो ये सारे ऑप्शन हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा, आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा सहायतामंद होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।